हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक पर जो डिस्कस करूंगा वो टॉपिक है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी। तो दोस्तों, आज को जो फुल जो है मैं इसी पर जो है एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है जो आपका ऊंचाई एवं दूरी क्या होता है। दोस्तों, क्या होता है कि आपका जो एग्जाम होता है, आपका कोई भी जो एग्जाम हो, रेलवे का हो या फिर ग्रुप डी का हो या आपका SSC का कोई भी जो एग्जाम हो, तो उनमें जो है डेफिनेटली जो है ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है वैसे के जो है पूछा जाता है। और हर एग्जाम में जो एक दो क्वेश्चन आने के जो है फुल जो है चांस रहते हैं। तो बिल्कुल जो है आज हमें इसको जो है बेसिक से जो है पढ़ लेते हैं। और अगर आपने ये वीडियो को जो है पूरा जो है बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ जो है पढ़ लिया तो ऐसा नहीं है कि आपसे जो है क्वेश्चन ना बने। हालांकि मैं आपको वो थ्योरी जो होती है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, रेशियो मेथड से जो है बताऊंगा। और रेशियो मेथड से जो आप कैसे जो है किसी भी क्वेश्चन को कैसे जो है चुटकियों में जो हल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको रेशियो मेथड के बारे में तो पता ही होगा कि ये जो एक ऐसा मेथड होता है जिससे आप किसी भी जो है क्वेश्चन को कोई भी कितना भी बड़ा जो है, और रेशियो मेथड जो है उसको बहुत ही कम समय में जो हल कर देता है। तो क्या होता है, आपको ऊंचाई और दूरी और किस तरह के इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, किस लेवल के जो क्या क्या जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो इसी को जो है मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको जो है ऊंचाई एवं दूरी पढ़ते हैं तो उनमें जो एक एंगल जो यूज होता है वो होता है आपका राइट एंगल। ये जो राइट एंगल होता है ये जो है दोस्तों जो है यूज होता है। हालांकि आप यूज तो जो है कोई भी जो है एंगल राइट एंगल जो है यानी कोई भी त्रिभुज जो है यूज कर सकते हैं। जैसे आप जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल भी जो है ले सकते हैं, बट इसमें क्या हुआ कि आपको जो हाइट निकालनी ही पड़ेगी। जब आप ऊंचाई एवं दूरी निकाल रहे हैं तो आपको जो हाइट निकालनी ही पड़ेगी। ये एंगल जो है 90 डिग्री का होना ही चाहिए। तो हम जो यूज करते हैं वो राइट एंगल का करते हैं जिसमें जो है 90 डिग्री का ये जो एंगल होता है, तो इसका जो हम यूज करते हैं। तो इसमें भी जो आपको हाइट निकालनी पड़ती है तो इसकी वजह इसको जो है यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल है और राइट एंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता ही है, और बाकी जो दो एंगल होते हैं वो दोनों को जो है जोड़ के जो है होता है 90। यानी कि किसी भी त्रिभुज का जो योग होता है तीनों कोणों का वो होता है 180। तो 180 में ये 180 जो होता है और आपका जो 90 अकेला यही है, तो बाकी दोनों को मिला के 90 होगा। यानी कि अगर ये जो है राइट एंगल है, ये एंगल जो है राइट एंगल है, तो बाकी जो दोनों कोण होंगे या तो आप ये 30 हो सकता है, ये 60 होगा, या फिर ये 60 हो सकता है, ये 30 होगा। तो ये अगर राइट एंगल है तो बाकी जो दोनों के एंगल है वो आपके एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल है यानी कि आप कह सकते हैं न्यून कोण, आप जो कह सकते हैं न्यून कोण एक्यूट एंगल, इनका जो है दोस्तों आपको बेसिक से जो पता होना चाहिए। न्यून कोण यानी कि किसी भी कोण का जो है 90 डिग्री से, कोई भी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा है तो उसको न्यून कोण ही कहते हैं, एक्यूट एंगल ही कहते हैं। तो ये जो बेसिक जो है नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि अगर कोई भी एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल है, यानी कि 30 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली जो भुजा के आगे जो रेशियो होगा वो होगा आपका 1। अगर ये जो है 30 डिग्री का है तो इसके सामने जो होगा रेशियो होगा 1, और ये जो है 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी आपकी 2, और ये आपकी एक और भुजा बची है वो आपकी 60। तो इसके सामने में जो भुजा होगी उसका रेशियो जो होगा वो होगा √3। और √3 है ये जो दोस्तों कैसे आया, ये आता है आपका साइन कॉस टेन, ये जो होते हैं इनको जो है यूज करके आता है। हालांकि मैं जो आपको नहीं बताने वाला हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू आपका ए बी अपॉन बी सी। तो इनका फिर जो है मान जो हम रखते हैं 1/√3, ये जो मान रखते हैं तो इन्हीं में से जो है निकल कर आता है 1/√3, और इसमें जो आप पाइथागोरस थ्योरम जो जब लगाएंगे तो आपका ये जो है 2 निकल कर आ जाएगा। तो ये जो आपको बेसिक से जो पता होना चाहिए, तो इसको जो चलिए मैं हटा देता हूँ। और ये जो आपका हो गया, और ऐसा भी हो सकता है कि ये एंगल जो है 60 का ना होकर 30 का हो सकता है, और ये एंगल जो है 30 का ना होकर 60 का हो सकता है। तो वह जो कंडीशन क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री का ही रहेगा, ये फिक्स रहेगा, और इसके सामने की भुजा भी आपकी 2 ही रहेगी। और ये एंगल उसमें जो 30 का, तो इसमें जो आपका 60 है, और ये जो 60 का था तो 30 है, तो
इसमें जो आपको एंगल जो है ध्यान पता होना चाहिए कि किस जो है एंगल के सामने जो है कौन सी भुजा होगी, यानी कि 90 डिग्री का एक कोण है तो इसके सामने की भुजा जो है दो रहेगी, 60 डिग्री का कोण है तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो आपकी रूट थ्री होगी, जैसा ही आपको यहाँ पर भी जो है दिख रहा होगा, और ये जो 30 है तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो आपकी 1 होगी। तो ये जो आपको क्लियर होना चाहिए, अगर दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग जो है बहुत अच्छे से जो है सिंपलीफाई कर सकते हैं। और एक और जो इसमें मेथड बनता है वो बनता है आपका कि 60 और 30 का ना देकर आपको जो है 45 का भी जो है दे सकता है, यानी कि 30 और 60 का, जरूरी नहीं है कि आपको जो 30 और 60 ही दे, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एंगल को जो 45 भी जो है दे सकता है। ये एंगल 90 डिग्री का ही रहेगा और ये रहेगा, ये आपको होगा वो हो गया आपका 45 और ये जो हो गया आपका 45, तो ये दोनों 45 90 हो गया और ये जो 90 है तो 180 हो गया। और इसमें जो आपको क्या रेशियो जो है ध्यान रखना होता है, उसमें जो रखना होता है कि 45 डिग्री का ये कोण है, ये जो कोण है 45 डिग्री का है तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो आपकी 1 होगी, और जब ये 45 का है तो ये दोनों तो भुजा तो आप जब दोनों जो कोण इक्वल है, दोनों जो कोण जो है बराबर है तो इनके सामने की भुजा भी जो बराबर होंगी, तो जब ये 45 का इसके सामने ये 1 है तो ये जो 45 का है तो इसके सामने भी जो 1 होगा, और जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके ये जो एंगल निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका √2। तो दोस्तों ये जो आपका क्लियर होना चाहिए, तीन स्थिति जो जो आपकी ऐसी बनती है, और तीन स्थिति और भी जो बनती है वो बनती है कि पहले जो 30 का दिया है, फिर यहाँ से ये जो एंगल है वो 30 का है और थोड़ा इसमें झुका हुआ है, दो पॉइंट है तो आपका यहाँ 60 हो जाएगा, तो उसको भी जो हम आगे जो क्लियर कर लेंगे। लेकिन मैं जो आपको एग्जाम्पल जो है दे करके जो बता देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आपको जो क्या ध्यान रखना होता है कि 90 के आगे जो होता है रखना होता है वो रखना होता है आपको 90 बराबर 2, 60 बराबर रखना हुआ आपका √3, इसका जो मान होता है वो आपका 0.732 होता है, और ये 30 का जो 30 के आगे जो लिखना होगा वो लिखना होगा 1। जैसे मैं आपको जो एक एग्जांपल जो देकर बता देता हूँ, इसमें जो आपको एक और जो बात कंफ्यूज करती है वो करती है आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको भी जो चलिए मैं जो क्लियर कर देता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दोस्तों होता है वो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई जो है यहाँ पर जो है ये जो समतल है आपकी ओरिजेंटल लाइन है, और यहाँ पर जो है कोई भी जो है पेड़ है या टावर है या फिर पावर हाउस है या फिर कोई बिल्डिंग जो है यहाँ पर खड़ी हुई है, और यहाँ पर एक बिल्डिंग जो खड़ी हुई है यहाँ, और यहाँ पर एक जो है व्यक्ति खड़ा हुआ है, और ये जो व्यक्ति की नजर जो पड़ती है वो इसका जो शीर्ष होता है, इसका टॉप जो होता है उस पर जो है इसकी नजर पड़ती है, तो यहाँ पर जब देखता है तो यहाँ से जो है कुछ कोण बनता है, इस कोण ही को इस जो कोण है इस कोण को ही जो कहते हैं, ये जो कोण है इस कोण को ही जो कहते हैं आपका, ये जो यहाँ पर थीटा आपका कोण बनेगा, और जब ये तो आपका फिक्स है कि ये जो है 90 डिग्री का ही होगा क्योंकि समतल है, तो ये जो कोण बनना है इस कोण को ही जो आपको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, या आप जो इसको कह सकते हैं उन्नयन कोण। ये जो होता है वो होता है आपका उन्नयन कोण। और एक और जो अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो इस बिल्डिंग जो है इस बिल्डिंग के टॉप पर अगर खड़ा है, यहाँ पर जो खड़ा है कोई भी व्यक्ति, और यहाँ से जो किसी भी चीज को अगर यहाँ पर जैसे सपोज करो वो व्यक्ति जो है यहाँ पर ही उस व्यक्ति को जो है देख रहा है ऊपर से, तो जब ऊपर से देखेगा तो यहाँ पर उसकी ओरिजेंटल लाइन जो हो जाएगी वो आपकी ये हो जाएगी क्षैतिज रेखा जो हो जाएगी, यानी कि ओरिजेंटल लाइन। तो जब यहाँ से वो देखेगा और जहां पर देख रहा है उसके मध्य में जो कुछ एंगल बनेगा तो एंगल जो होता है उसी को जो कहते हैं वो कहते हैं आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये जो एंगल बनेगा इसी को जो कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो आपको पता होना चाहिए, या फिर जो आप इसको कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये जो आपका क्लियर होना चाहिए कि उन्नयन और अवनमन जो कोण होता है। तो दोस्तों आपको जियोमेट्री में एक स्थिति जो आपने पढ़ी होगी वो पढ़ी होगी आपकी जेड की स्थिति, यानी कि एकांतर कोण, जब दो पैरेलल लाइन होती है उनको एक रेखा उनको जो प्रतिच्छेद करती है काटती है तो उनमें जो एक स्थिति बनती है एकांतर कोण।
तो एक अंतर कोण जो होते हैं वो आपस में जो है समान होते हैं, यानी कि एक कोण जो है यहाँ पर 30 डिग्री है तो एक कोण भी जो आपका 30 डिग्री ही होगा। एक अंतर कोण जो होते हैं उनका जो है बराबर होता है। तो ये आप जो पता चल गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दोस्तों होता है वो क्या होता है आपका, तो ये जो आपको पता हो गया होगा। अब मैं जो है आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उन एग्जाम्पल की मदद से जो मैं आपको पूछूंगा। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको जो है देकर बता देता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है ये जो आपका समतल लाइन हो गई यानी क्षैतिज रेखा ओरिएंटल लाइन, और यहाँ से जो है कोई भी जो है एक व्यक्ति जो है पतंग उड़ा रहा है और पतंग जो है उड़ रही है ऐसे जो है उड़ रही है, यानी कोई भी व्यक्ति जो है बैलून उड़ा रहा है और ये जो आपकी पतंग जो है उड़ रही है, और जब यहाँ पतंग उड़ रही है तो आपसे उसको उसकी जो है लंबाई जो है आप उसने दे रखी है कि 30 डिग्री के एंगल पर जो उड़ रही है। कोई भी पतंग जो है उसका उन्नयन कोण जो है 30 उन्नयन कोण जो बनाकर कोई पतंग जो है उड़ रही है और उड़ रही है तो उसकी लंबाई जो उसने दे रखी है कि 30 मीटर पर जो उड़ रही 10 मीटर पर जो उड़ रही है, यानी कि दोस्तों ज्यादा हो सकती है। मैं तो आपको जो एग्जाम्पल जो है देकर बता रहा हूँ, तो 10 मीटर जो है इसकी लंबाई है, इस पर जो उड़ रही है और उससे आपसे पूछा है कि इसकी जो है जमीन से जो है उसकी हाइट कितनी है, कि कितनी ऊंचाई पर जो है वो पतंग उड़ रही है। ये तो आपके धागे की लंबाई है कि 10 मीटर धागे में कोई भी पतंग जो है 30 डिग्री के कोण बनाकर जो है उड़ रही है। तो आपसे जब पूछा है तो आपसे को जो है ऐसे करना होगा यहाँ पर जो है ऊंचाई निकालने के लिए। तो ये जब आप निकालेंगे तो आपको ये आपको पता होगा कि 30 डिग्री का कोई एंगल होता है, तो 30 डिग्री के एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो आपकी बन होती है, ये जो आपको क्लियर होगा। और 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने की भुजा होती है वो होती है आपकी 2, और आपका ये जो 30 है तो ये 60 होगा, तो ये 60 के सामने की भुजा जो होती है वो होती है आपकी √3। ये आपको दोस्तों जैसा कि ऊपर जो दिख रहा होगा, तो आप जो अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो जब 2 मीटर का जो मान दिया हुआ है आपको वो दिया है 10, तो जाहिर सी बात है कि 1 मीटर का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5, यानी कि इसका आधा। और जब आप √3 का मान निकालेंगे तो ये जो आपका 1 का मतलब जो 5 है, तो √3 का मतलब आपको 5/5√3। तो दोस्तों इसमें जो आपसे पूछा क्या है कि कोई भी जो है पतंग जो है कितनी हाइट पर उड़ रही है, तो आपको पता होगा कि 1 का मान जो होता है वो होता है आपका 5, यानी जब 2 का मान जो है 10 है तो 1 का मान जो होगा 5 होगा, तो आपकी जो है 5 मीटर ऊंचाई पर जो है पतंग जो है उड़ रही है। यहाँ से आप देखें तो आपकी पतंग जो है 5 मीटर ऊंचाई पर जो उड़ रही है, तो आपको जो बेसिक को ध्यान में रखकर जो आपको पता होना चाहिए, यानी कि एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको लेकर और बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है आपकी ये आपकी बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है आपकी, यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति जो है खड़ा है, यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति जो है खड़ा है और यहाँ से जो है देख रहा है, और यहाँ से जो है एक व्यक्ति और है वो इधर से जो आ रहा है, तो ये जो है उस व्यक्ति को देख रहा है, तो यहाँ पर जो है एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है आपका, यानी कि एंगल जो बन यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाकर जो कोई व्यक्ति जो इसको जो है देख रहा है, और यहाँ पर जो एंगल बन यहाँ पर जो ये जो दूरी आपसे दी गई है कि यहाँ पर जो 20 मीटर इसकी दूरी है, इसकी जो दूरी है 20 मीटर दूरी है, और 60 डिग्री का कोण बनाकर कोई व्यक्ति जो है इस बिल्डिंग पर बैठे हुए व्यक्ति को जो है देख रहा है, तो आपसे पूछा है कि उस बिल्डिंग से जो है इस व्यक्ति की जो है दूरी कितनी होगी, यानी वो जो बिल्डिंग का जो है बॉटम है और उसका तल है, उस तल से जो है उस व्यक्ति जो कितनी दूरी पर जो है खड़ा है, ये जो आपसे दूरी जो है पूछी गई है। तो दोस्तों यह एंगल आपको पता होगा 90 डिग्री का होगा, और ये 60 है तो आपको पता होगा ये जो 30 होगा और इसकी जो और ये 90 एंगल है 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की भुजा जो होती है वो 2 होती है रेशियो, इसके सामने की आपकी वो होती है आपकी √3 के सामने की 1 होती है। तो जब आपको एक बात तो इसमें जो दिख रही होगी कि जब इसमें 2 का मान जो दिया हुआ है 2 बराबर जो 20 है, तो आपको पता हुआ कि ये जो टॉप ये जो है इसके तल से जो आप उसकी जो दूरी पूछ रहा है तो इसका जो है रेशियो है 1, तो ये जब 2 का मान जो है आपका 20 है तो 1 का मान जाहिर सी बात है कि आपका 10 होगा, तो ये आप जो है इसकी जो है लंबाई जो है वो 10 मीटर दूरी पर जो है कोई व्यक्ति जो है खड़ा है जब वहां से जो है इसको व्यक्ति को जो है देख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बिल्कुल आपके समझ में आ चुका होगा, तो कुछ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको करा देता हूँ इसी मेथड से, आपको जो है यहाँ पर दिखाएंगे स्क्रीन पर और मैं जो है क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है जैसा कि आपको जो स्क्रीन पर जो है दिखेगा और मैं जो क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, को क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक वृक्ष की ऊंचाई जो है जमीन से जो 80 मीटर है, यहाँ पर जो है कोई वृक्ष है
ये जो वृक्ष है यहाँ पर इसकी जो है ऊंचाई जो है वो आपकी 80 मीटर, कोई भी वृक्ष जो है 80 मीटर जमीन से ऊंचाई है उसकी 80 मीटर। तो आपसे आगे जो पूछ रहा है कि इसके आधार से कितनी दूर जो है किसी बिंदु का शिखर से जो है इसका जो इसके आधार से कितनी दूर स्थित किसी बिंदु, यानी कि इसका आधार जो है, इसका आधार जो ये होगा यहाँ पर स्थित किसी भी बिंदु का उन्नयन जो कोण है वो उन्नयन कोण जो आपको दे रहा है, उन्नयन कोण जो दे रहा है आपका 45 होगा। ये जो एंगल जो है दे रहा है ये एंगल जो है 45 है, यानी कि ये एंगल जो आपका 45 है इसका आधार। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये एंगल तो फिक्स रहता है आपका 90 डिग्री होता है, और जब ये एंगल जो 45 है तो ये एंगल भी जो आपका 45 होगा। तो इसमें जो क्या पूछ रहा है कि इसमें आपसे जो पूछा है कि उन्नयन कोण 45 है तो उसका जो आधार जो कितना हुआ, यानी कि ये जो आपकी ये जो भुजा कितनी होगी। तो दोस्तों जितनी ये 80 मीटर है तो 80 मीटर ही यह होगी, क्योंकि 45 के सामने की भुजा जो होती है वो बन होती है, इसके सामने की जो है भुजा बन होती है, और 90 के सामने की भुजा जो होती है वो रूट टू होती है। तो आपसे जो उन्नयन कोण जो पूछा है कि 45 डिग्री का होगा, तो 45 डिग्री का होगा तो इसकी भी जो ऊंच ये जो है जितना दूर जो व्यक्ति खड़ा है तो वो 80 मीटर ही जो है दूर खड़ा है। तो ये जो आपका सी जो है आपका डी जो आंसर हो गया इसका। और अगला जो क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा इसको हटा देता हूं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये खंभे की ऊंचाई जो है 30 मीटर है, यानी यहाँ पर जो कोई भी खंभा जो है गड़ा हुआ है और इस खंभे की ऊंचाई जो है वो आपकी 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचा जो है कोई खंभा है, ये जो खंभा आपको दिख रहा हुआ 30 मीटर ऊंचा ये खंभा है। आगे जो आपसे बोला है वो बोला है कि इसके ऊपर सिरे से एक तार बंधा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर से कोई भी जो तार बंधा हुआ है जो भूमि पर जो बंधा हुआ है, यानी आप जो मान सकते हैं कि ऐसे जो है कोई भी तार जो है ये जो आपको समतल हो गया ओरिजेंटल लाइन, और यहाँ इसके जो शीर्ष से जमीन पर कोई भी एक भूमि पर एक जो है तार बना हुआ है। तो आगे जो आपसे पूछ रहा है जो भूमि के साथ जो है 30 डिग्री का जो कोण बनाता है, यानी कि ये जो है आपका तार जो है यहाँ पर उन्नयन कोण जो बना रहा है वो आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये आपको पता होगा कि 90 डिग्री का कोण होता है, जब ये 90 का होता है और ये 30 का होता है तो बचा एक वो बचा आपका 60 डिग्री का। तो आगे जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि तार की लंबाई जो है वो क्या होगी, यानी कि ये जो तार है इस तार की जो है लंबाई जो है क्या होगी, इस तार की जो आपसे लंबाई जो है पूछ रहा है कि ये तार जो है कितना लंबा है। तो आपको पता होगा कि 30 के सामने की भुजा दोस्तों जो होती है वो बन होती है आपकी, यानी कि 30 का जो एक कोई 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो उसके ठीक सामने वाली भुजा जो का रेशियो जो होगा वो आपका बन होगा, और जब ये 60 है तो इसके सामने की भुजा का आपका रूट थ्री होगा, रूट थ्री होगा, और ये 90 है तो इसका सामने की भुजा का जो रेशियो होगा वो आपका 2 होगा। तो एक बात तो आपको जो पता चल रही है कि 30 मीटर ऊंचा है तो 30 का एक का मान जो है आपका जो है 30 आपको दिख रहा है, यानी एक के बराबर जो है 30 दिख रहा है। तो क्या आप फाइंड नहीं कर सकते कि 2 का मान जो है तार की लंबाई जो आपसे पूछ रहा है तो 2 का मान जो 2 बराबर 60 होगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर जो आ चुका है 2 का मान जो होगा वो आपका 60 होगा, जैसा कि आपको अभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जो है मैं आपको और जो हल करके बता देता हूँ, इसको जो हटा देता हूँ क्वेश्चन जो है, जैसा कि आपको जो है यहाँ पर जो है दिखेगा। तो क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन वो है कि एक मीनार की परछाई जो है, कोई भी जो है यहाँ पर एक मीनार जो है खड़ी हुई है, यानी कोई भी जैसे कि आप जो इसको मान सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर खड़ी हुई है, और आगे जो आपसे बोल रहा है वो बोल रहा है कि उसकी जो परछाई है, यानी इस मीनार की जो परछाई है उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी कि ये जो आपको मीनार दिख रही है इसकी परछाई जो है किसी भी तरफ पड़ेगी, यानी कि इस तरफ जो है पड़ेगी, ये इस दीवार की जो परछाई जो इस तरफ पड़ेगी, तो जितना इसकी हाइट है, जितना जो इस मीनार की हाइट है उतनी ही जो इसकी परछाई पड़ेगी। तो इसमें यह एक बात जो आपको क्लियर दिख रही होगी कि एग्जामिनर जो है कहना क्या चाह रहा है, यानी कि जब इसकी परछाई जो इसी के बराबर है तो आपका जो ये लाइन जो यहाँ से खींची जाएगी, और यहाँ से जब ये दोनों साइड जो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ए भी जो है इसी के बराबर है तो ये बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति जो है किस एंगल में बनती है, वो बनती है आपकी कि 45-45 के दोनों जो एंगल होते हैं दोनों साइड जब बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो आपका ये जो कोण हो जाएगा वो आपका 45 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल भी जो आपका 45 डिग्री का हो जाएगा, बाकी जो 90 डिग्री का था ही।
तो इसका जो परचाइन जो है इसके बराबर है। तो आपसे जो आंसर में जो पूछा क्या है कि आपसे कि उन्नतास कोण बताइए, यानी कि उन्नयन जो कोण बताइए, तो कोण बनेगा आपका 45 डिग्री का, तो आपका वो आंसर जो है 45 हो जाएगा, जैसा कि आपका जो है बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है मैं हटा देता हूँ। तो ये जो है मैंने कुछ एग्जाम्पल जो है दे करके जो है बता दिए। और दोस्तों इसमें तो हमने जो है डिस्कस कर लिया कि जो है तीन स्थिति जो बनती है आपकी, ऐसे जो है तीन स्थिति बनती है 30, 60 और 90 की, और 90, 45, 45 इनका जो हमने जो है आपको रेशियो जो है बता दिया। और अगली जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका कि कोई भी स्थिति जो बनती है आपकी, ऐसे जो स्थिति बनती है दो बिंदु जो है किसी भी एक लाइन पर जो होते हैं, यानी कि ये व्यक्ति जो है यानी 90 का है और ये जो है 60 का है, तो एक यहाँ से एक व्यक्ति और जो है बनता है, वो बनता है आपका 30 डिग्री का। ये स्थिति जो आने वाली जो है सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। और एक स्थिति और बनती है, वो बनती है आपकी यहाँ से जो है कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ से एक और व्यक्ति जो आगे बैठा हुआ है वो आपका 45 डिग्री का जो एंगल बना रहा है, यानी कि 45 डिग्री का। तो आपसे जो पूछता है ए बी सी डी, तो आपसे कोई भी डाटा जो दे देगा, और एक डाटा देने के बाद आपसे जो कुछ भी जो है पूछ सकता है। ऐसी जो स्थिति होती है वो आपकी इनमें होती है, तो इनमें जो आपको पता होना चाहिए और क्या क्या स्थिति बनती है। और आपको पता होगा कि एक स्थिति दोस्तों वो होती है वो और भी बनती है कि कोई भी जो है एक पॉइंट यहाँ पर है, यानी कोई भी जो है जहाज जो है यहाँ पर उड़ रहा है और एक जहाज जो है यहाँ पर उड़ रहा है, और एक व्यक्ति जो है यहाँ से जो है इनको देख रहा है, तो दोनों के मध्य में जो एंगल क्या बनेंगे, यानी कि ये जो आपको दिख रही होगी इसका नाम जो दे सकते हैं ए बी सी डी, तो इनके मध्य की दूरी पूछ सकता है या फिर इसके मध्य की जो दूरी पूछ सकता है। कोई भी जो आपको डाटा देगा उस डाटा के बाद जो आपको दूरी जो पूछ सकता है। और एक स्थिति और बनती है कि कोई भी जो है यहाँ पर जो है मकान है, कोई भी यहाँ पर जो है सपोज करो यहाँ पर जो है कोई भी बिल्डिंग है, मकान है, यहाँ पर जो है कोई भी जो है लट्टा घड़ा है, यानी कोई भी खंभा है, और इससे आपकी जो है ऐसे जो है इसकी दूरी जो है दे देगा यहाँ पर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसके शीर्ष से जो है इसका जो एंगल पूछ लेगा या दूरी पूछ लेगा आपसे। तो ऐसी भी जो स्थिति बनती है दोस्तों, जो आपकी सभी स्थिति को जो है मैं उस वीडियो में जो क्लियर करूंगा, तो जितनी भी जो आपकी स्थिति बनती है उन सभी को जो है मैं क्लियर करूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये वीडियो जो है यहीं पर जो है कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो में इन सभी को जो है क्लियर करूंगा, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी जो है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।